नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेलरेटिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, हमारी इस आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे VBA मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग। जी हां, हम बात करेंगे आज VBA मैक्रोज पावर प्रोग्रामिंग के बारे में, और इसमें हम बात जानेंगे कि किस तरह से हम VBA का यूज कर सकते हैं SQL में डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि हम एक्सेल के फाइल को ग्राफिकली कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, बट उसमें क्या था कि पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट हो रही थी, लेकिन मुझे पूरी फाइल इंपोर्ट नहीं करनी थी, मुझे इंपोर्ट करना था एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड डेटा या एक कंडीशनल डेटा। तो चलिए कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग पहली बार आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिस में तकरीबन 30 से 40 वीडियोज अपलोड करता हूं, तो 30 से 40 नए टॉपिक्स आपको डेली सीखने को मिलेंगे। तो सो स्टार्ट नाउ द सब्सक्राइबिंग। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेटा में। मेरे पास डेटा है, फिलहाल तो मैंने सिंपल डेटा रख रखा है और मैं प्रोग्रामिंग लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने एक मॉड्यूल्स के अंदर में सब्जेक्ट और मैंने माइक्रो इसका नाम दे दिया है EXSQL ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो दो वेरिएबल्स में आ लूँगा डिम, एक होगा कनेक्शन CONAJADODV डॉट कनेक्शन, और दूसरा होगा डिम RS रिकॉर्ड सेट जिस पे अपनी हम SQL क्यूरी को रन करेंगे ADOD डॉट रिकॉर्ड सेट। उसके बाद हम यहां करेंगे सेट CON इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू न्यू ADOADAC डॉट कनेक्शंस, और वापस हम इसको सेट CON यहाँ पे RS होगा ना रिकॉर्ड सेट इक्वल टू, वापस हम देते हैं न्यू ADOADAC डॉट रिकॉर्ड सेट। उसके बाद CON कनेक्शन हम यहाँ पे ओपन करते हैं। करने के बाद यहाँ पे आपको इसका रिकॉर्ड सेट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ज्यादा था टाइम ज्यादा लेता इसलिए। इसमें क्या है प्रोवाइडर SQL OLE SQL OLEDV एक इसका नेम है, डेटा सोर्स अपना, डेटा सोर्स में जो आप देंगे पूरी की पूरी अपनी क्या देंगे यहाँ पे जब कनेक्ट करते हैं आप, यहाँ पे इसको करता हूँ डिस्कनेक्ट, जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो कनेक्ट करते समय जो ये पाथ होता है ना, ये आपका पीसी नेम, मैंने पीसी का नेम या पाथ कर लीजिए, और फिर आपका सर्वर नेम, और यहाँ पे हमने सर्वर नेम यहाँ पे दे दिया सर्वर नेम इंस्टाइल कैटलॉग, ये जो हमारा है ये आपका सर्वर नेम, आपका डेटाबेस नेम होगा, और यहाँ पे स्टेटस सिक्योरिटी SSPI क्योंकि मेरा जो है ये आपका विंडो ऑथेंटिकेशन में है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, नहीं तो यहाँ पे फिर आपको यूजर एंड पासवर्ड देना पड़ता। तो इसको हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे SQL कमांड भी तो लिखना है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ऊपर, और यहाँ देता हूँ कि dim s as a string, और यहां पे हम करते हैं s इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे यहां पे इंसर्ट इनटू, और किस डेटा में करना है तो मुझे डेटा वन है मेरा, कहां का डेटा वन SQL सर्वर का, और कौन कौन से फील्ड है तो यहां पे नेम है कॉमा सिटी है और हमारा अमाउंट है, तीन कॉलम में ऐड करना है। अब यहां पे मैं देता हूं वैल्यू, वैल्यूज होता है VLES वैल्यूज, अब वैल्यूज के अंदर में मुझे देने हैं नेम, लेकिन नेम जो आएंगे वो कहां से आएंगे
रेंज ए टू, फिलहाल तो मैं ऐसे डाल देता हूं, बाद में इसको मैं ऑटोमेट कर दूंगा, ए टू डॉट वैल्यू। फिर एंड के साथ मुझे कॉमा देना है इसमें, कॉमा, लेकिन सिंगल कोट को क्लोज करना है क्योंकि टेस्ट है, इसलिए सिंगल कोट लगा रहा हूं। यहाँ पे देखा स्टार्टिंग में सिंगल कोट लगाया था, और कॉमा वापस सिंगल कोट स्टार्ट किया क्योंकि दूसरा भी हमारा टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। और यहाँ पे एंड रेंज बी टू डॉट वैल्यू, और फिर वापस यहाँ पे मैं सिंगल कोट को क्लोज करता हूँ, कॉमा, और तीसरा अमाउंट है, अमाउंट हमारा क्या है, अमाउंट हमारा नंबर है तो देने की जरूरत नहीं है। तो रेंज डॉट वैल्यू, और इसके साथ हम साइकिल को क्लोज करते हैं और ये सेमी कॉलन देते हैं क्यूरी क्लोज करने का, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आर एस रिकॉर्ड सेट डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट एक्सक्यूट होता है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हमें दो चीज और इसके लिए चाहिए होगा, नहीं आर एस डॉट ओपन ही होगा, रिकॉर्ड एक्सक्यूट नहीं होता, एक्सक्यूट दूसरी चीज में होता है, ओपन, और सोर्स बनाया तो हमने बोला यस, नहीं स्ट्रिंग सी ओ एन कनेक्शंस, उससे पहले एस देना होगा, एस बनाया ना एस कॉमा सी ओ एन कनेक्शंस, और इसमें आपको देना होगा कि मुझे स्टैटिक को ओपन करना है, डायनेमिक नहीं, ये हमारा हो गया। और एक मैसेज बॉक्स दे दे एम एस जी बॉक्स, यहाँ पे दे दिया मैंने डेटा, अब मैं इसको एक बार रन करता हूं, आई होप इसमें कोई एरर ना हो। अच्छा इनटू का टी अलग अलग हो गया, दिस इज मिस्टेक, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हाँ नहीं होनी चाहिए, या डेटा है सेव। और यहाँ पे देखिए पूजा पहले से था, मैं कनेक्ट करता हूँ और अपने डेटा में जाता हूँ, या इसी क्यूरी को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देखिए पूजा 85 दूसरी एंट्री हो गई। अब मुझे इसमें जो एंट्री करनी है पूरी सीट की करनी है, मान लीजिए पूरी सीट की करनी है, पूरे डेटा की करनी है, क्योंकि मेरे पास इसमें कई सारे डेटा है, चार है, तो मैं 2 से लेके 4 तक करना चाहता हूँ, तो इसमें मुझे बस इसके अंदर मुझे बस लूप चलाना होगा कि 4 i इक्वल टू चले 2 पहले आरएस, तो आपका ये तो ओपन ही है, आरएस ओपन है तो मुझे आरएस को क्लोज करना होगा, हाँ तभी तो दूसरी क्वेरी चलेगी, तो एक बार क्वेरी चल चुकी है तो मैं दूसरी बार क्वेरी करने के लिए आरएस को क्लोज करना होगा, रिकॉर्ड सेट को क्लोज करना होगा, तो आरएस डॉट क्लोज एक बार क्लोज करना पड़ेगा जी हाँ। अब यहाँ पे 2 से 4 और यहाँ जहां जहां हमने 2 लिख रखा है जगह पे आई, बाकी इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर आई तो हो जाएगा, बट एक और प्रॉब्लम इसमें होगी, या फॉर्म वगैरह भी इसका यूज कर सकते हैं कि इसमें जो डेटा है हमारे पास तो 4 ही हो सकता है कि 40 हो, जैसे कि मैंने इसको एंट्री कर दिया, ठीक है,
मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, तो 4 को मैं यहाँ पे कर दूंगा रेंज 65,000 एक्स प्लस आप डॉट रो, यहाँ पे डेटा है सेव आपको दिख रहा है। एक मिनट मैं इसको रन करता हूं, और मैं रन करता हूं एक बटन से। हमने यहां पे एक बटन लिया और यहां पे कर देते हैं इस पे इलाहा स्क्वायर, इसमें मैं देता हूं operations not start when the object is closed. Okay, अब मैं इसको क्लोज नहीं करता हूं। मैं दोबारा से इसको करता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मुझे लग रहा है लूप को यहां से हटाना होगा इसमें, और यहां पे हमें देना होगा एक बार कनेक्शन ओपन है ना, दोबारा कनेक्शन को ओपन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसको क्लोज करना होगा। देन रन करते हैं। व्हेन द ऑपरेशन नॉट अलाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज,
In binary, data would be truncated. इसका सॉल्यूशन देखना होगा, मैं देखता हूँ सॉल्यूशन इसका।